देखिए, यहाँ तक आपने बात की है कि ऑनलाइन सिस्टम की, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा डिपार्टमेंट जो है फूड सिविल सप्लाईज, ये इस समय टोटली ऑनलाइन है। जहाँ ट्रांजेक्शन जो है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, आधार सीडेड हम 100% हैं। तो यहाँ तक आपने कहा कि ये आधार वाला जो ओटीपी सिस्टम है, ओटीपी सिस्टम में यह है कि कोई फैमिली ऐसी है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो डिपो पे नहीं पहुँच सकती है, तो वो अपने कंसर्न डीलर से लिंक कॉन्टैक्ट करके तो उनको बोलेंगे कि हमारी ट्रांजेक्शन कर दो, हम बाहर हैं कभी, तो डीलर उनकी आईडी नंबर डाल के तो उस फैमिली को एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे ही वो ओटीपी शेयर करेंगे अपने डीलर के साथ, तो उनकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। वो बंदा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपना राशन उसे उठा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर बंदे को, हर फैमिली को, जहाँ जितने भी हमारे बेनिफिशरी हैं, उनको अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, तभी जाके उनको ओटीपी आएगा। जिनका आधार लिंक नहीं है, मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, उनको ओटीपी नहीं आएगा, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने ये एक ओटीपी सिस्टम जो है, आधार ओटीपी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो ये मैंडेटरी कर दिया है। 3 महीने के अंदर अंदर हमने इसको कम्प्लीट करना है। ये हमारे डिलीवरी वाले भी हैं, तो इसलिए मेरी अपील है सभी लोगों से कि वो अपने मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक कराए, ताकि वो कहीं कोई परेशानी हो तो अपने घर बैठ के भी वो अपना राशन निकलवा सकते हैं। देखिए, आप यहाँ भी कोई कंप्यूटर, जहाँ CSE है हमारे यहाँ, ID ऑफिस में ही है हमारे, कई बार भी आधार के जो भी हैं, जहाँ सोशल वेलफेयर वालों ने भी खोले हुए हैं, तो कहीं से भी ये अपना लिंक करवा सकते हैं। इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप को यहाँ पुणसी आना है, अगर कहीं भी आधार सेंटर है तो उस पर आप करवा सकते हो। ये सिर्फ नंबर को आधार के साथ लिंक करना है? हाँ, मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना है। राशन कार्ड के साथ आपको वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली।